दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आप किसी से बहुत ज्यादा बात करते हैं तो आपको उसके प्यार में पड़ने की संभावना कहीं ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप उनकी बातों को समझने लगते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्हें लगता है कि वे सबसे बेस्ट है। वे हर बार अपनी बात को ऊपर रखते हुए किसी और की बातों को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। वे खुद को इतने ज्ञानी और विद्वान समझने लगते हैं कि उन्हें अपने आसपास बैठा हर व्यक्ति बेवकूफ दिखने लग जाता है। साइकोलॉजिकल देखा जाए तो जो लोग खुद को सबसे ज्ञानी और विद्वान समझते हैं, दरअसल उनका ज्ञान और समझ बहुत सीमित होते हैं, जबकि उनकी तुलना में सही मायनों में स्मार्ट और काबिल लोग खुद पर शक करने लगते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आज हम आपके साथ ऐसे 5 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स शेयर करने वाले हैं जिन्हें शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे, जो आपको जानने चाहिए। नंबर 1, सूंघने की शक्ति। दोस्तों, हमारी नाक कम से कम 50,000 तक की महक को याद रख सकता है। अगर आप एक खुशबू को दोबारा सूंघते हैं तो आप यह पहचान सकते हैं कि यह किस चीज की महक है। दोस्तों, आप भी एक ट्राई जरूर करना। नंबर 2, दर्द सहने की क्षमता। दोस्तों, आपने अक्सर कहीं ना कहीं यह जरूर देखा होगा, चाहे व्यक्ति के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वो सब सहन कर लेता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनके दर्द सहने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है, और ये बात वैज्ञानिक तौर पर प्रूव भी हो चुका है। नंबर 3, किसी को याद करना। दोस्तों, जब आप अपने किसी खास व्यक्ति या पर्सन किसी पर्सन को याद करने लगते हैं तो आप अपने आप ही उदास हो जाते हैं, बेशक उनकी यादें कितने भी अच्छी क्यों ना हो। नंबर 4, गाने को नापसंद करने का सीक्रेट। दोस्तों, अगर आप अपने पसंदीदा गाना जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अगर आप उस गाने को अपना अलार्म बना लेते हैं तो धीरे धीरे आप उस गाने को नापसंद करने लग जाते हैं। इसलिए अगर आपको कोई गाने पसंद हो तो उसे अलार्म टोन सेट नहीं करना चाहिए। और नंबर 5, सबसे अकेले लोग। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कॉमेडियन और अभिनेता दूसरे लोगों की तुलना में सबसे ज्यादा अकेले और उदास रहते हैं।